वेलकम फ्रेंड, हिंदी टेक हेल्पवे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई फाइल है, विंडोज ISO फाइल है जिसे आप विंडोज इमेज फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इमेज फाइल ज़्यादातर आपको बूटेबल डिस्क बनाने के काम आती है, तो आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं एक टूल की मदद से। वो टूल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो टूल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं गूगल पर, और गूगल पर हम यहाँ पर टाइप करते हैं एनीबर्न, ANYBURN, एनीबर्न। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ऐसे फाइल को, विंडोज़ फाइल को कन्वर्ट करेंगे इमेज फाइल में। और ये एक मुख्य रूप से कन्वर्टर है जो बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है, तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको हम चलिए यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर है, एक 32 बिट, एक 64 बिट। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड कर लीजिए, और आपका अगर 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है। फिर आपका कोई भी हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। हम इसे यहाँ से ओपन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए इसको आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, और ये जो है इंस्टॉल हो रहा है। बस हमें इंस्टॉल करके यहाँ से क्लोज कर देना है। और देखिए ये हमारा एनीबर्न सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हमें सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें सिंपली करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि करना क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है कन्वर्ट करने। यहाँ पे देखिए बर्न इमेज फाइल टू डिस्क, यहाँ पे इसे इमेज फाइल को डिस्क में आप सीडी ड्राइव में कैसे बना सकते हैं वो दिया हुआ है, या फिर आप कुछ सीडी राइट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अपनी डीवीडी को इरेज कर सकते हैं, और कन्वर्ट इमेज टू फाइल फॉर्मेट पे कर सकते हैं, इमेज फाइल को एडिट कर सकते हैं। बहुत से यहाँ से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कि अपनी फाइल को इमेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम चूज चूज करते हैं क्रिएट इमेज फाइल टू फाइल फोल्डर, यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए जिस भी ड्राइव में आपका डेटा रखा है आप वहाँ से उसे डेटा को उठा सकते हैं। और मैं यहाँ से इसे उठाता हूँ। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पर फाइल है, और इस फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पे क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल फोल्डर, तो आपको यहाँ पर किस लोकेशन में आपको करना है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ही कर देता हूँ, और इस फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम जो मैं बना रहा हूँ वो दे देता हूँ विंडोज 10। और इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे आपका इमेज फाइल जो है बनना रेडी हो गया है। आप यहाँ से इसे मूव करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ये देखिए हमारे विंडोज 10 की इमेज फाइल जो है क्रिएट हो रही है। यहाँ से आपका जो फाइल फोल्डर था वो यहाँ पे इमेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप इसे इजिली बूटेबल पेन ड्राइव
बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है बस कुछ ही देर में, और आपकी जो आईएसओ फाइल थी वो इमेज फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और बस देखिए यहाँ पर 100% हो गया है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे पूरी तरह से। ये देखिए क्रिएटिंग इमेज फाइल फिनिश सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसे एग्जिट कर देते हैं, और एग्जिट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी विंडोज़ इमेज फाइल रेडी हो गई है। तो है ना बहुत सिंपल करना, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इमेज बर्न को आप डाउनलोड करिए और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इमेज से फाइल फोल्डर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है एनी बर्न। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस सॉफ्टवेयर में, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे और टेक्निकल नॉलेज आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।